नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पे कृषि फसल बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज कृषि फसल का वायदा बाजार शाम के कारोबारी सत्र में कैसा कारोबार करता नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ, अगर आपको भी लॉकडाउन लगने की चिंता सता रही है कि आगे कहीं लॉकडाउन ना लग जाए और आपके कारोबार पर कोई प्रभाव ना पड़े, आपकी दुकान ना बंद हो जाए, तो ऐसे में आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आ गई है माई बिग ब्लिस ऐप, MYMYBIGBLISS माई बिग ब्लिस। माई बिग ब्लिस ऐप आपको घर से बैठे बैठे आपको अपनी दुकान चलाने का मौका दे रही है। आपकी दुकान सिर्फ चलेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी भी। माई बिग ब्लिस ऐप आपको सब कुछ मुफ्त में दे रही है, रजिस्ट्रेशन फ्री है और आपको फिर ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। करना छोटा सा काम ये होगा कि सबसे पहले आपको अपना फ़ोन उठाना है और माई बिग ब्लिस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको इस पर अपनी दुकान रजिस्टर कर लेनी है और फिर अपना स्टोर बनाना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान आपको एक भी रुपये का भुगतान नहीं करना है किसी को भी, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका स्टोर लाइव हो जाएगा, आपके पास ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप पहले से कोई दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तभी आप इस माई बिग ब्लिस ऐप पर अपना सामान बेच सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं या फिर एक एम्प्लॉई भी हैं और अपनी इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं, तो भी आप अपने नए काम की शुरुआत बिग ब्लिस पर कर सकते हैं। तो तुरंत डाउनलोड करें माई बिग ब्लिस ऐप। इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं आज के शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसल बाजार के अपडेट से। सबसे पहले बात करेंगे कैसा सीड से। तो देख रहे हैं कि हम कैसा सीड का जनवरी वायदा 5954 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। 5968 का हाई लगा चुका है, हल्की सी बढ़त है। देख रहे हैं कि कैसा सीड का वायदा बाजार लगातार पिछले कुछ दिनों से 5900 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है। खबर निकल के सामने आई है कि कैसर का जो उत्पादन है वो लगभग पिछले 3 सालों में लगभग 15.98 लाख हेक्टेयर रह सकता है। उत्पादन कम रहने की आशंका के चलते कैसर सीड का वायदा बाजार में उछाल देखने को मिला है। लेकिन अभी जो डोमेस्टिक डिमांड और जो एक्सपोर्ट डिमांड है कैसर की, वो इतनी देखने को नहीं मिली है, जिसकी वजह से कैसर में ज़ोरदार उछाल देखने को मिले। हालांकि बढ़त बनती ज़रूर आई है, लेकिन पहले वाली कीमतें देखने को अभी भी नहीं मिल रही हैं। अब आगे कैसा रुझान रहेगा आज जानेंगे अपने एक्सपर्ट से भी। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। जी अखिलेश जी, नमस्कार। नमस्कार अनुज जी। अनुज जी, सबसे पहले आपसे कैसे के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। हमने कैसे की कीमतों को 6200-6300 पर भी जाते हुए देखा था, वहाँ से फिर गिरावट भी बनती नजर आई और हमने कीमतों को 5800 पर भी जाते देखा। ऐसे में आपको क्या लगता है, ये जो 5900 के ऊपर कैसे का बाजार निकला है, तो यहाँ पे तेजी क्या कायम रहेगी, क्या और तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए बिल्कुल अखिलेश जी, सबसे पहले तो आप सभी के व्यूवर्स को और आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए एग्रीकल्चर कमोडिटी में हमने पूरे में ट्रेंड एक अपसाइड का आते हुए देखा है। कैस्टर के अंदर भी हमें लग रहा है कि एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एक लोअर लेवल से बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया, मुझे लगता है कि ये बाउंस बैक ऊपर में 6100 तक लीड कर सकता है। तो फिलहाल वेरी शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 100 से 150 रुपए की तेजी मुझे लगता है कि यहाँ देखी जा सकती है। प्राइस काफी गिर चुके हैं और एक ओवरसोल्ड जोन में आए हैं जहां पर हम फ्रेश खरीदारी आते हुए देख रहे हैं। जी, तो यानी कि अनुज जी के मुताबिक कैसे सीड के वायदा बाजार में अभी छोटी अवधि में शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी में रहा जा सकता है। कीमतें अभी कैसे की ऊपर में 6100 तक जाती हुई नजर आ सकती हैं। ये से अनुज जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल देख रहे हैं कि बाकी कम्युनिटीज के मुताबिक बिनौला खल काफ़ी आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। 3200 के पार जाता नजर आया है, 3259 पर ट्रेड कर रहा है, 4.25% की तेजी है। अनु जी, आपने जो लेवल दिया था 3200 का बिनौला खल में, आपका वो टारगेट अचीव होता हुआ नजर आ चुका है आज। अब आपको यहाँ से क्या लगता है, क्या यहाँ से अभी एक मुनाफा वसूली बनेगी या फिर यहाँ से कीमतें तेजी की ओर ही जाती रहेंगी? देखिए खल के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव था, हमें लगता है कि जो 3200 का इसने लेवल ब्रेक किया है, अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 3400 का रहेगा। हमें लगता है कि बिनौला खल के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, तो 3400 के टारगेट के लिए खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। कहीं ना कहीं जो डिमांड बढ़ी है उससे भावों को काफी का सपोर्ट रहा है और हमें लगता है कि 3400 के टारगेट के लिए आगे के लिए यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। जी,
हिसेनु जी, बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में भी देख रहे हैं कि साल 2022 के शुरुआत में ही मसालों की कीमतों में एकदम से उछाल आता हुआ नजर आया है। चाहे धनिया हो, जीरा हो, हल्दी हो, काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। जीरे में अभी देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी बढ़त के साथ 16,800 के ऊपर बाजार निकल चुका है, 1.5% की तेजी है। धनिया 9,000 के ऊपर है और हल्दी भी ठीक ठाक ट्रेड करती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या साल 2022 मसालों के लिए अच्छा रहने वाला है? देखिए, मसालों के अंदर हमने एक अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखी है। एक्सपोर्ट डिमांड से भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि मसालों में जो ट्रेंड है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा, और मसालों में जो हमने तेजी 2020 के अंत में आती हुई देखी थी, 2021 के अंत में आती हुई देखी थी, वो अब यहाँ पर और आगे जारी रहेगी। और जल्दी ही हमें लगता है कि मसालों में नए स्तर देखने को मिलेंगे। अगर हम जीरे की बात करें तो जीरा एक्सपेक्टेड है कि 18,000 तक, हमें मान के चल रहे हैं कि 2022 में 18,000 तक आ सकता है। तमरिक में भी हम मान के चल रहे हैं कि 11,000 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। जी, ये सनु जी, बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार में देख रहे हैं कि आज लोअर लेवल से बाइंग इनिशिएट होती हुई नजर आई है। देख रहे हैं ग्वार का जनवरी वायदा 11,000 के पार निकला है, 2.5% की तेजी है। वहीं ग्वार सीड 6100 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है 1.5% की तेजी के साथ। अनुज जी, आपको क्या लगता है, ग्वार के फंडामेंटल्स मजबूत होने के बावजूद हमने जो ग्वार में वॉलेटिलिटी देखी है, उसके मद्देनजर आगे अब ग्वार का बाजार कैसा रह सकता है? देखिए, ग्वार के बाजार में जो ट्रेंड पकड़ा है वो पॉजिटिव ही है। हालांकि इसमें एक की लेवल है जो कि 6,300 का है, हमें लगता है कि वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, मगर उसके बावजूद भी ट्रेंड हमें पॉजिटिव लगता है। जो आगे तेजी होगी वो 6,300 के ऊपर मार्केट चलेगा तो और तेजी देखने को मिलेगी। तो हमारे व्यू से ग्वार में खरीदारी का ट्रेड ही रखना चाहिए। 6,300 के आसपास के स्तर मिले हैं तो वहां पर अगर वो ब्रेक होते हैं तो आपको 6,700-6,800 तक के लेवल भी देखने को मिलेंगे। तो इस पर नजर रखें, ट्रेंड पॉजिटिव है, जो भी डिप मिले खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। जी, तो यानी कि अभी ग्वार का जो ट्रेंड है अनुज जी के मुताबिक आगे वो पॉजिटिव ही रहेगा। ये सनु जी, ग्वार के बाद बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन का जनवरी वायदा देख रहे हैं 6,282 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है 0.5% की तेजी के साथ। अनुजी, हम देख रहे थे कि सुबह के कारोबारी सत्र में सोयाबीन एक सीमित दायरे में ट्रेड करती नजर आ रही थी, कोई ज्यादा घटबट नहीं देखने को मिल रही थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि 6,300 के करीब जाती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या 2022 में भी सोयाबीन में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी? देखिए, एडिबल ऑयल्स में अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को लगता है कि भावों में कुछ नरमी देखने को मिलेगी, क्योंकि भावों में अगर देखें तो आगे अच्छी क्रॉप की पैदावार रही है और जो पैदावार है उसकी अराइवल भी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगर हम सोयाबीन की बात करें या सरसों की बात करें तो वहां पर आवक बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो हमारा व्यू है कि यहाँ पे सेलन राइस का मार्केट ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा वेट एंड वॉच करें, भाव ऊपर आए तो बिकवाली करें। सोयाबीन में हमें लगता है कि 6,400-6,500 के लेवल मिलते हैं तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। जी, ये सर मुझे बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में भी हमने देखा है कि मंडियों में आवकें कम हैं और जो डिमांड फैक्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा हावी होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या आगे अगर लॉकडाउन नहीं लगता है और अगर डिमांड एज इट इज़ बनी रहती है, तो क्या कॉटन की कीमतों में आगे तेजी देखने को और मिल सकती है? देखिए, कॉटन में हमें लगता है कि जो ट्रेंड पकड़ा है वो आगे पॉजिटिव रहेगा और जल्दी ही भाव हमें लगता है कि 36,000 के लेवल को छू सकते हैं। तो कॉटन में खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए, कहीं ना कहीं ट्रेंड पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि कॉटन में आगे भी कंटिन्यू तेजी रहेगी, 36,000 तक के लेवल के लिए खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। जी अनुजी, 2022 में आपकी तरफ से टॉपिक्स क्या रहेंगे जो पूरे साल अच्छा मुनाफा दे सकते हैं? साल 2022 किन कृषि फसलों के लिए सबसे बेहतर रह सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हम मसालों में हमारी सलाह रहेगी जिसमें खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। जीरा में हमें लगता है कि 18,000 के लेवल देखे जा सकते हैं। टर्मरिक में 11,000 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। साथ में हमें लगता है कि ग्वार सीड के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, जो कि ऊपर में 6,800 से लेकर 7,000 तक के लेवल को छू सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमें लगता है कि मेंथा ऑयल, जो कि अभी आज रैली पकड़ी है, मुझे लगता है कि उसमें अच्छी काफी तेजी रहेगी और 1200 से लेकर 1300 तक के लेवल मेंथा ऑयल में भी देखे जा सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो कुछ ऐसा रह सकता है आज कृषि फसलों का वायदा बाजार, और साल 2022 में कृषि फसलों में तेजी किन में आएगी, ये भी हमने अपने एक्सपर्ट से जाना। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।